Twinkle? Twinkle, utho! Twinkle! 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 Koi hai? सही कह रही हूँ, मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। मुझे कुंज की जान की परवाह थी, इसलिए फिरौती वाली खबर और किडनैपिंग वाली बात मैंने आप लोगों से छुपा कर रखी। नहीं, मुझे क्या पता था कि मेरी खामोशी की वजह से ट्विंकल भी किडनैप हो चुकी है। एक मिनट बेबे, इसका मतलब ऐ हुआ कि उन्होंने पैसे भी ले लिए, कुंज को भी नहीं छोड़ा और अब ट्विंकल को भी उठा लिया। हाय रब्बा, पता नहीं मेरा कुंज किस हाल में होगा। पर सवाल ये है कि अब क्या क्या जाए? ट्विंकल और कुंज की जान खतरे में है, हमें अपने बच्चों को बचाना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। इसकी पल्स स्लो होती जा रही है, अगर इसको जल्दी होश नहीं आया तो। कोई है? कोई है? Twinkle, उठ, please उठ, Twinkle, Twinkle उठ, Twinkle, 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 ये तो नीली पड़ रही है, इसका पल्स ड्रॉपर है, Twinkle, please होश में आ, Twinkle, 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 Twinkle उठ, please, Twinkle, Twinkle, Twinkle. Twinkle, please, hush me. सजना तुम। थैंक गॉड,
तू होश में आ गई। तुमने मुझे किस किया? हाँ किया। तुझे होश में लाने का इससे बेटर तरीका नहीं था मेरे पास। एक्चुअली था बॉडी हीट, मुझे लगा ये थोड़ा बेटर है। नहीं? How dare you? ये अच्छा है, ये तो तेरी जान बचाए। ऊपर से अभी भी लड़ रही है, कमाल है, वो भी यहाँ। और कोई तरीका नहीं ढूंढ सकते थे? अकेली लड़की देखी नहीं, फायदा उठा लिया। क्या? अकेली? तू? अकेला मैं था, मैं तेरे साथ। पता नहीं कितना टॉर्चर किया होगा तूने, जो यहाँ पे आके खोली, वो भी तेरे साथ। कमाल है। एक्चुअली तू तो फायदे में रही, मुझे मिला टॉर्चर, तुझे मिला किस? वाह, तेरा तो सपना पूरा हो गया। बीवी है तो मेरी, इसलिए ना चिल कर, और मुझे भी चिल करने दे। नहीं एक्चुअली चिल मत कर, बहुत ठंड है। एक काम कर, बाहर जाके ना मुझे आग में फेंक देना, ठीक है? चल अब यहाँ से चलते हैं, बहुत ठंड है। सजना रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना वे। चल सजना वे। मैं खुद कर लूंगी, टच मत करो मुझे। चले वरना हमारी यहाँ ना कुल्फी जम जाएगी। मैं मैंगो बार, तू बिटर चॉकलेट। चल ने उन्हें कहीं नहीं देखा है। मैंने भी सब जगह ढूंढ लिया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ नहीं। बस अब मैं हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकती। मैंनू कैसे भी करके कुंज और ट्विंकल को ढूंढ के लाना ही होगा। बस कुंज ट्विंकल, कुंज, पुत्र, कुंज, कुंज बेटा, कुंज। तू ठीक तो है ना? हम कितने परेशान थे। कुछ मैनू माफ कर दे। नहीं बेबे, मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गई। नहीं बेबे, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने वही किया जो आपको ठीक लगा, पर आपको तो ब्लैकमेल किया जा रहा था। और क्या हुआ अगर मैं मुसीबत में फंस गई तो? एटलीस्ट मैं और कुंज, हम दोनों साथ तो थे ना?
और आप मुझसे बड़े हैं, बड़े थोड़ी छोटों से माफी मांगते हैं। जिंदी रहे। कुछ पुत्र, तू ठीक है ना पुत्र? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। और आपकी ट्विंकल भी बिल्कुल ठीक है। चल, अच्छा बेटा। पुत्र, तेनु किडनैप किसने किया था और कहां रखा गया था तेनु? तू मैनु उसका नाम दस, उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे दामाद नु किडनैप करने की? बता पुत्र, कौन है वो किडनैपर? कैसे बताऊं सबको कि कुंज को किडनैप करने वाले खुद कुंज के बड़े भाई हैं, आनंद भैया हैं। मैं जानती हूँ कि अगर मैंने ये बात परिवार वालों को बताई तो सबको बहुत ठेस लगेगी, लेकिन अगर आज मैं चुप रह गई तो मैं भी आनंद भैया के गुनाह में शामिल हो जाऊंगी। झूठ बोलना गलत होता है, लेकिन उससे भी गलत होता है सच को छुपाना। हाँ, आनंद भैया मेरे जेठ हैं, लेकिन उन्होंने गलती तो की है और मैं गलत बात का सपोर्ट नहीं कर सकती। बता पुत्र। माँ, मुझे नहीं पता, कुछ गुंडे थे पर इसके पीछे किसका हाथ था वो? लेकिन पुत्र, तूने कोई सुराग तो देखा होगा, कुछ तो याद होगा। बाबा जी, रिश्तों के जिस भंवर में मैं आज फंसी हूँ, मुझे डर है कि कहीं उससे निकलने की कोशिश में कई और रिश्ते ना तबाह हो जाए। लेकिन इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, सच्चाई का रास्ता। मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं और माँ भी। याद कर, बता मैनू कौन है वो? माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कोई क्यों ऐसे करेगा, पर उसकी किडनैपिंग आनंद भैया ने करवाई थी। जा रही है, पहले ही मैंने कुंज की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है और अब मेरे आनंद के पीछे पड़ी है। मम्मी जी, मेरा विश्वास कीजिए, आनंद भैया ने ही कुंज की किडनैपिंग कराई थी। मैं जानती हूँ कि ये सच कड़वा है, लेकिन यही सच है। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। ये मॉडर्नाइज बहुओं को ना घर में ब्याह के लाने का एक यही नुकसान होता है। ट्विंकल वैसे पूरी प्लानिंग के साथ आई थी हमारे घर, आते ही चेरी को जेल भिजवा दिया, मेरे बेटे को पागल कर दिया इसने, और अब घर के दूसरे बेटे को किडनैपर बना रही है ताकि जल्दी से जल्दी घर में इसी का राज हो। वाह, क्या परवरिश दी है तूने अपनी बेटी को लीला, क्या बात है। ट्विंकल, तुझे समझ में आ रहा है तू क्या बोल रही है? आनंद इस घर का वड्डा मुंडा है, इतना वड्डा इल्जाम तू लगा रही है? जरा सोच, जबान से निकली हुई ये बातें वापस तो ले नहीं पाएगी। जी बेबी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आनंद भैया ने ही कुंज की किडनैपिंग करवाई थी। मुझे बेहोश होने के बाद जब कुंज के पास ले जाया गया, तुम्हारी मेरी क्या डील हुई थी कि तुम बेबे को फोन करोगे कुंज की रिहाई की फिरौती के लिए? और प्लान के मुताबिक जब बेबे पैसे लाएगी ही हम पैसे बांट लेंगे, ताकि किसी को भी शक ना हो कि मैंने अपने भाई का किडनैप किया है। हाँ, उन्हें देख के ये साफ पता चल रहा था कि आनंद भैया ने ये किडनैपिंग किसी मजबूरी में कराई, लेकिन वो आनंद भैया ही थे बेबे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं यकीन कर सकती। मेरा एक बेटा मेरे दूसरे बेटे को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। ट्विंकल, ट्विंकल तू झूठ बोल रही है। अरे बस कर उषा। ट्विंकल, तुझे यकीन है कि आनंद नहीं कितना है? हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो पुत्र। नहीं बेबी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई,
आनंद भैया मेरे जेठ जी हैं। उनका नाम लेने से पहले मैंने खुद हजार बार सोचा और फिर उनका नाम लिया। मैं 100% शौरू हूँ, आनंद भैया ही थे। ट्विंकल चुप कर। आप गलत कर रहे हैं ट्विंकल। अगर आनंद भैया पे लगाया हुआ तेरा इल्जाम गलत हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुंज, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। मैंने शादी के बाद माँ से वादा किया था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी झूठ नहीं बोलूंगी। और अगर मेरा लगाया हुआ इल्जाम गलत हुआ ना, तो तुम मुझे कोई भी सजा देना, मुझे मंजूर होगी। मैं कैसे मान लूं कि तू सच बोल रही है? क्योंकि हमारे पास सबूत है। मिस ट्विंकल सरना सच बोल रही है, आनंद सरना ने ही कुंज सरना की किडनैपिंग करवाई है। हमने इन्हें फिरौती की रकम के साथ रंगे हाथों पकड़ा है और इन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। ट्विंकल जी की मदद से यह सब पॉसिबल हुआ है। My God, I don't believe this. Twinkle ने अपने ही जेठ को गिरफ्तार करवा दिया। अब पता नहीं और क्या-क्या देखना बाकी है इस घर में। ट्विंकल ने जो भी किता है, बिल्कुल सही किता है। देवर क्या, जेठ क्या, गुनेगार गुनेगार होता है और उसे सजा मिलनी चाहिए। हैरान हूँ मैं कि एक भाई दूसरे भाई को पैसों की खातिर। तूने अपने भाई का भरोसा तोड़ा, अपने बेबे का यकीन तोड़ा। इतना बेगैरत हो गया है तू? अपनी बेबे को ब्लैकमेल किया तूने? मैं नहीं मानता। आनंद भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते, जरूर कोई और बात। आनंद भैया प्लीज बताइए सबको कि आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है। बोलो आनंद, बोलो। ये सब सच है। मैंने ही कुंज का किडनैप करवाया। भैया मुझे माफ कर दे, लेकिन ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। थोड़े थोड़े पैसों के लिए ताऊ जी के सामने हाथ फैलाना, उनकी दस दस बातें सुनना, मैं इरिटेट हो गया था। मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि मैं तुझे किडनैप करके बेबे से पैसे ले लूँगा। कुंज मेरी तरफ देख, तू जानता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने उन गुंडों को बोल दिया था अगर तेरे ऊपर एक भी खरोच आए ना तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। मैं नहीं चाहता था कि तुझे मेरी वजह से कोई भी चोट पहुँचे। मैंने सबका दिल दुखाया है, सबका गुनहगार हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, ये जरूर कोई बुरा सपना है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आनंद, थोड़े ही पैसों की खातिर तुमने अपने ही भाई को किडनैप करवा दिया, बेबे को ब्लैकमेल किया, हम सबको परेशान किया। ये सब कुछ किया ताकि थोड़ी सी भीख मांगने से बच जाओ। तो अगर इतनी ही शर्म आ रही थी तो ये सारी हरकत करने से पहले सोचा क्यों नहीं? अरे अनीता, तुम खामखा हैरान हो रही हो। ये आनंद है ना, बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पर जा रहा है। ये चोर मक्कार झूठा ये भी है। पैसे की बात थी ना भैया, एक बार बोल के तो देखते। जमीन आसमान एक कर देता, कुछ भी करता, आपको तकलीफ नहीं होने देता। अब कैसे मेरे साथ? बस बंद करो ये सब। इंस्पेक्टर साहब, गुनेगार को सजा मिलनी चाहिए। ले जाओ इसे और जेल में बंद करवा दो। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती।